हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओजस फिटनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात कर लेने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के बारे में। फ्रेंड्स जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, चाहे वो इनिशियल स्टेज पर है या फिर फ्रेंड्स आपको जो है इस स्टेज पर है कि आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर दिया गया है डॉक्टर की तरफ से कि आपको वो लेना ही लेना है। आज मैं आप सभी से ऐसी होम रेमेडी शेयर कर लेने वाली हूँ जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और वर्किंग है कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के लिए। साथ ही फ्रेंड्स जिनको थायराइड का भी इशू है उनके लिए भी काफी ज्यादा वर्किंग होने वाली है। आपकी ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बट स्पेशली फ्रेंड्स आपके कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देने वाली है जड़ से ये होम रेमेडी, अगर आप इसको ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स साथ में एक्सरसाइज और अपनी डाइट को ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली 110% मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपको मेडिसिन का रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा अगर आप इस होम रेमेडी को ट्राई करते हैं। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, सेफ है, कोई गार्लिक का यूज नहीं किया है। मोस्टली लोग बताते हैं कोलेस्ट्रॉल में गार्लिक बहुत ज्यादा अच्छा होता है खाना, बट यहाँ पर जो लोग गार्लिक को नहीं खा पाते हैं, उसका स्मेल जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव और वर्किंग होम रेमेडी है फ्रेंड्स ये। तो इसको जो बड़े बूढ़े हैं, जवान है, कोई भी इसको ले सकता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए इस होम रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए आपको जाना होगा अपने किचन में, और किचन में ही मौजूद इंडियन इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत अच्छे और वैल्यूबल इंग्रेडिएंट बहुत इफेक्टिवली कोलेस्ट्रॉल पर वर्क करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ले लेना है यहाँ पर अलसी। फ्रेंड्स अलसी में ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, तो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी डाइट में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को इंक्लूड करना चाहिए, ये हमारी डाइट में होना ही चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश ऑयल के रूप में जो है ले सकते हैं या फिश कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है जो ये चीजें नहीं ले सकते तो वो डेफिनेटली अलसी को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। होता यह है कि ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है वो काफी घटा देता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। साथ में हमारे जो हार्ट की जो नसें होती हैं उनमें ब्लड ले जाने का जो सप्लाई होता है उसको तेज कर देता है, उस दर को, उस गति को जो है ये तेज कर देता है। और इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो बैड टॉक्सिन्स होते हैं, उनको बाहर निकालने में, फ्लश आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप इसको लेते हैं फ्रेंड्स। तो अलसी को आपने कैसे यूज करना है वो मैं आगे बताऊंगी, पहले आप इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अलसी लेना है। सेकंड आपने लेना है फ्रेंड त्रिफला। त्रिफला जो कि आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, सबका आपने पाउडर लेना है, बट दो तीन चीजें अलग तरीके से यूज करनी है और इसमें दो इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिनको अलग तरीके से यूज करना है। सो त्रिफला आपने ले लेना है फ्रेंड्स। त्रिफला का पाउडर आता है मार्केट में, आपको इजीली ग्रोसरी पर भी अवेलेबल हो जाएगा, या बहुत से लोग घर में शायद रखते भी होंगे इसको, क्योंकि ये आंखों वगैरह के लिए बहुत ज्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट है आंखों की रोशनी के लिए। तो जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो डेफिनेटली नियर बाय आपके कोई भी शॉप हो वहां से आप आराम से ले सकते हैं। तो त्रिफला पाउडर लेना है सेकेंड इंग्रेडिएंट आपने। थर्ड इंग्रेडिएंट आपने लेना है फ्रेंड्स अर्जुन की छाल का पाउडर। अर्जुन की छाल जो है फ्रेंड्स वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, रक्त को साफ करता है, जो गंदा खून होता है हमारे उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सब पर वर्क करता है, और हमारे ब्लड को साफ करने के साथ साथ फ्रेंड्स हमारे कोलेस्ट्रॉल को, स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटा देता है और साथ में हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा वर्किंग है, आप इसके बेनिफिट्स गूगल नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। तो अर्जुन की छाल का पाउडर आपने ले लेना है थर्ड इंग्रेडिएंट। फोर्थ इंग्रेडिएंट मेथी दाना है फ्रेंड, जिसके गुण, जिसकी क्वालिटी आपने में भी बहुत बार सुना होगा कि मेथी दाना पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ठीक है, हमारे डाइजेशन के लेवल को इम्प्रूव करेगा, इसको भी इंक्लूड कीजिएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट फ्रेंड्स वो है धनिया के जो बीज होते हैं, आपने जो है पिसा हुआ धनिया नहीं लेना है, साबुत धनिया के बीज फ्रेंड्स वो लेने हैं। तो दो इंग्रेडिएंट आपने इसमें रोस्ट करके ऐड करने हैं, बाकी तीन इंग्रेडिएंट का आपने रो जो पाउडर आता है मार्केट में वैसे ऐड करना है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा इस तरीके से बनाना है इस पाउडर को, तो आपने कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें से स्किप नहीं करना है। बहुत से लोग पूछते हैं मैम ये इंग्रेडिएंट हमें मिला नहीं, स्किप कर सकते? तो आई होप कि जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं ये 5 इंग्रेडिएंट बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे, इंडियन मार्केट में मिल जाएंगे, इंडियन घर में मिल जाएंगे, तो आपने कोई भी स्किप नहीं करना है इसको बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो, आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको मेडिसिन ना खाना
खाना पड़े, आपको ट्रीटमेंट ना लेना पड़े, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहे, अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में हो, बेड आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बॉडी से खत्म हो जाए, तो डेफिनेटली आपको ये सब चीजें फॉलो करनी होगी, ये सभी इंग्रेडिएंट आपको लेने होंगे। अब इनको जो बनाने का प्रोसीजर है फ्रेंड्स, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपने तीन चीजों का, मैंने बोला कि पाउडर लेना है, आपने अर्जुन की छाल का पाउडर लेना है और आपने त्रिफला का पाउडर लेना है, साथ में आपने मेथी दाना का पाउडर लेना है, इन तीनों का आपने पाउडर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो अभी दो इंग्रेडिएंट लास्ट मैंने बताया है, अलसी बताया था मैंने स्टार्टिंग में और आपको मैंने धनिया के बीज बताए, इन दोनों को आपने रोस्ट करना है। तवे पर आप अपने घर में रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट करने के बाद में आप इनको पीस लीजिए फ्रेंड्स, जार में इजिली बहुत पीस जाते हैं, इनको पीस लेना है। अब आपने करना क्या है फ्रेंड्स, अब आपने करना यह है, या तो ये पांचों इंग्रेडिएंट आप एक साथ रख लीजिए कंटेनर में, स्टोर कर लीजिए इनको। क्वांटिटी इनका इतना लेना है कि अर्जुन की जो छाल है वो 2:1 होगा, बाकी का सबका 1:1 रेशियो होगा, मतलब अगर वो 2 स्पून होगा तो बाकी सब 1:1 स्पून होंगे। अब आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी क्वांटिटी रखना चाहे उतना रख सकते हैं, स्टार्टिंग में आप थोड़ा भी बनाकर देख सकते हैं, आपको अपनी हेल्थ में मतलब काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से होता ही है कि हमारी बॉडी में कमजोरी भी फील होने लगती है, पैरों में दर्द फील होगा, आपकी धड़कनें ऐसा लगेगा कि बहुत तेजी से मतलब बढ़ रही हैं, या आपको मतलब हार्ट बीट आपकी तेज होने लगेगी, घबराहट से आपको महसूस होने लगेगी कोलेस्ट्रॉल के टाइम उसमें, मतलब कोलेस्ट्रॉल का जो सिम्टम होता है, और साथ ही आपको शरीर में थकावट और कमजोरी महसूस होगी, नींद भी पूरी लेंगे, जैसे कि थायराइड का सिम्टम होता है कि नींद पूरी लेने के बाद भी सुबह थकावट महसूस होती है, ठीक वैसा ही कोलेस्ट्रॉल में भी आपको फील होगा। किसी किसी को तो हार्ट में पेन का भी शिकायत होता है, यहाँ पर जो है ना उनको थोड़ा पेन भी रहता है इस एरिया में, तो वो भी एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीजन है फ्रेंड्स। और बाकी पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें भी दर्द रहता है, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल के कुछ सामान्य सिम्टम्स हैं जो आपको देखने मिलेंगे। तो इन सब में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा जब आप इस रेमेडी को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको बनाने का तरीका मैं अभी आपको बता ही रही हूँ साथ में कि अब लेना कैसे है। फ्रेंड्स पाउडर ये बना के रख लिया है पांचों इंग्रेडिएंट का हमने एक कंटेनर में, अब हमने रात में एक ग्लास वाटर लेना है फ्रेंड्स, और वो पानी जो है या तो आप तांबे के जार में पानी रखें, या फ्रेंड्स घड़ा जो होता है मटका उसमें पानी अपने घर में रखें, फ्रिज का पानी नहीं लेना है इसमें, बिल्कुल भी फ्रिज का पानी यूज नहीं करना है, या सिंपल आपका आरओ का पानी है आप वो ले सकते हो, बट फ्रिज का पानी नहीं लेना है, वो पानी आपने एक ग्लास में रखना है और उस ग्लास में पाउडर आपने डाल के ढक के रख देना है, रात में आप ढक के रख दो इसको, और मॉर्निंग में आपने करना क्या है इसी पानी को उबालना है, इस एक ग्लास पानी को उबालना है और उबलते हुए ये आधा रह जाएगा फ्रेंड्स, आधे से थोड़ा ज्यादा मतलब उबालना है, उसके बाद जो इसकी क्वांटिटी इतनी रह जाए तो आपने इसको हल्का गुनगुना पीना है, ना तेज गर्म पीना है ना बिल्कुल ठंडा करके पीना है, हल्का गुनगुना आपने इसको पीना है, मॉर्निंग में पीना है और आप इवनिंग में भी इसको ले सकते हो खाना खाने के बाद, तो दोनों टाइम पीरियड में आप ले सकते हो। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल आपकी रिपोर्ट्स में कम आया है तो आप एक टाइम ले सकते हो मॉर्निंग में, अगर आपको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल को टैबलेट भी डॉक्टर ने दे दिया है या हमें ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप दो टाइम भी इसको कर सकते हैं। वॉकिंग होम रेमेडी है, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को बहुत ज्यादा राहत दिया है इस होम रेमेडी ने, बिकॉज मैं ब्यूटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वॉकिंग हूँ फ्रेंड्स, तो वहां पर बहुत हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, कोई स्किन केयर से रेलिवेंट, कोई हेयर केयर से रेलिवेंट, कोई हेल्थ केयर से रेलिवेंट, तो उनको काफी ज्यादा हेल्प मिला है इस होम रेमेडी से। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा और रिजल्ट मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।